हेलो गाइस, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी 11 प्रो फ़ोन है, तो रियल मी 11 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स यानी कैसे अपने फ़ोन में कैसे कंट्रोल सेंटर्स वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं, और कंट्रोल सेंटर आप कैसे बदल सकते हैं रियल मी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर्स को चेंज कैसे कर पाएंगे, आज कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर को कैसे बदल सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो, तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको इस पे जाना है, फिर आपको यहाँ से बैक करना है और एक एमआई कंट्रोल ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके पास एमआई कंट्रोल ऐप्स है, तो इसको आप कुछ देर में ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करके अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑन है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और ऑफ़ करके जो आपका कंट्रोल सेंटर है जो पहले से चेंज है, तो आप उसको ऑफ़ करके पहले जैसा भी कर सकते हैं, ऑफ़ कर देंगे तो कंट्रोल सेंटर पहले जैसा हो जाएगा। देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कंट्रोल सेंटर को बदल सकते हैं, एंड आप चाहें तो इसको ऑन करके भी कंट्रोल सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।